एक गांव में एक नर चिड़िया को एक चिड़िया पत्नी और एक कौवा पत्नी रहते हैं। दोनों पत्नियों के साथ नर चिड़िया बहुत मुश्किल से जीवन बिताता था। कौवा पत्नी और चिड़िया पत्नी को एक क्षण भी जमता नहीं था। चिड़िया पत्नी हर समय पति को शपथ लगाती थी। कौवा पत्नी को दो बच्चे थे, पर चिड़िया पत्नी को बच्चे नहीं थे। इस वजह से उसके साथ रहने के लिए पत्नी चिड़िया उसकी बहन कबूतर को अपने घर बुलाई। एक दिन नर चिड़िया ने, देखो कौवा, बच्चों का ख्याल रखना, मैं बाहर जाकर आऊँगा, चिड़िया पत्नी से संभाल कर रहो। ठीक है जी, जल्दी आइए, बच्चे रोने लगेंगे, आप रहोगे तो उनको हंसाओगे ना। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊँगा। इतने में वहाँ चिड़िया पत्नी आती है। आते ही पति को शपथ लगाना शुरू करती है। जब देखो तब इस कौवे पत्नी के पास ही रहोगे। इसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, बताइए। वो बहुत खाली रहती है, पर आप तो उसी के घर में रहते हो, मेरे बारे में सोचते ही नहीं। मुझे बच्चे नहीं हुए ना, इसीलिए ऐसे कर रहे हो ना जी। ऐसी बात नहीं है रे, यहाँ कौवे को बच्चे है ना, उनका देखभाल कौन करेगा बता। तुझे तो ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कीजिए, कोई भी पत्नी पति अपने साथ रहने से ही खुश रहेगी, पर मैं तो मेरी बहन कबूतर को साथ लाई। ये सब आपकी वजह से ही है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये है ना काली कौवा, देखो क्यों ऐसे डांट रही हो। अभी मैं क्या कह दी, मैंने तुझे अपनी सगी बहन सोची, पर तू तो मेरे ऊपर गुस्से से हर समय हिल जाती हो। मैंने तुझे क्या अन्याय किया है, उनके सामने नाटक मत करो। तू बहुत अच्छी है करके सोचने के लिए ही ये सब उनके सामने कर रही हो ना। अब बस करोगे कि नहीं, मुझे आने में देरी होगी। कौवा, बच्चों का ख्याल रखना, अब तू चुपचाप यहाँ से चली जा। ऐसे चिड़िया का पत्नी गुस्से से बात करने पर चिड़िया पत्नी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उसके घर चली जाती है। कौवा अपने बच्चों को लेकर खेलने ले जाती है। नर चिड़िया वहाँ से निकलने लगा। वहाँ जो हुआ वो सब सोचकर पत्नी चिड़िया बहुत दुखी होने लगती है। घर जाकर अपनी बहन कबूतर से बोलकर बहुत दुखी होने लगी। जीजा जी तुझे डांटे, वो काले कौवे के सामने तुझे डांटने के लिए जीजा जी का मन कैसे आया दीदी। तेरे दीदा जी उसके जादू में पड़ गए बहन, वो मुझे उनके द्वारा शपथ लगा रहे है, हर बार कुछ न कुछ झगड़ा हो रहा है। चिंता मत करो दीदी, वो कौवे के बच्चे हुए ना, अब जीजा जी को तेरी जरूरत नहीं है, जीजा को अपने बच्चे ही चाहिए। वो कौवे के बच्चों को जीजा जी का संपत्ति पूरा मिलेगा सोचकर बहुत खुश होने लगी। उसे सर्वनाश करना चाहिए। हाँ बहन, किसी भी तरह उसका बदला लेना है, कुछ न कुछ करना चाहिए, पर क्या करें। तू मेरी बात सुनने से जीजा जी तेरे साथ ही रहेंगे दीदी। वो कैसे रे, वो आइडिया जल्दी बताओ, तुरंत अमल करेंगे। तो फिर एक कान इधर लाना, एक अच्छा आइडिया देती हूँ। ऐसे कान में कुसुर पुसुर करती है। वो आइडिया सुन के चिड़िया पत्नी बहुत खुश होती है और देर न करके चिड़िया पत्नी और कबूतर दोनों कौवे के पास जाते हैं। वहाँ चिड़िया पत्नी अपनी नाटक शुरू करती है। हायो, ये कैसे उनके साथ हो गया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह से मैं ठीक से बात नहीं की, इसीलिए शायद ऐसे खतरे में पड़ गए होंगे। दुखी मत होना दीदी, जीजा जी को कुछ नहीं होगा, अभी कौन जाएंगे। उन्हें क्या हुआ, क्या हुआ कबूतर? बहन तू बता ना, खतरा बोल रही हो, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, वो सब मेरी ही वजह से हुआ है। क्या हुआ, मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी से बोलो। जीजा जी को एक्सीडेंट हुआ है, सिटी हॉस्पिटल को ले गए हैं। क्या तुम उनके पास जाओगी, बच्चों का ख्याल हम रखेंगे। तुम जीजा जी के साथ जाकर कल तक घर आ जाओ। मुझे भी जाने की इच्छा हो रही है, पर वो मेरी बात कहाँ सुनते, हर समय वो तुम्हारी बात ही सुनते हैं। तू भूलने से वो समय पर दवाइयाँ भी लेंगे, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। बच्चों का ख्याल रखना दीदी, मैं उनका ख्याल रखूंगी, मैं चली। ऐसे कहकर कौवा रवाना होती है। कौवा ऐसी घबराती हुई टेंशन से चली जाती है। चिड़िया पत्नी और कबूतर उनका प्लान सक्सेस हुआ करके खुश होने लगते हैं।
कौवा ऐसे जाते ही चिड़िया पत्नी और कबूतर कौवे के बच्चों को हिंसा करना शुरू करते हैं। उनकी हिंसा से कौवे के बच्चे रोते रहते हैं। रोना, और ज्यादा रोना। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम लोग मरने से ही मुझे शांति मिलेगी। ओ लाल मिर्ची इधर दे, इधर आग जलाना। तू बोलने से पहले ही मैं सब रेडी कर दी दीदी। तो फिर देर क्यों रे? ये बच्चों की आंखों में लाल मिर्च डाल, इन्हें रोते देखना है। आग में जलाएंगे दीदी, पहले ये काम करने के बाद लाल मिर्च डालने से एकदम मर जाएंगे, उसके बाद हम कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो ठीक है, चलो ऐसे ही करेंगे। इस तरह दोनों बहनें कौवे के बच्चों को हिंसा करना शुरू करते हैं। बच्चे कितना रोने पर भी वो नहीं रुकते। बच्चों को रोते देखकर शैतानों की तरह खुश होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद वहाँ नर चिड़िया और कौवा पत्नी आते हैं। बच्चों को हिंसा करते देखकर नर चिड़िया अपनी पत्नी चिड़िया पर हाथ उठाता है। जी जी बेकार चिड़िया, इतनी बड़ी गलती कर रही हो रे। वो बच्चे है रे, भगवान के रूप है, उनको हिंसा करने का दिल कैसे आया? आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, पुलिस को पकड़वाना है। ऐसे कहकर नर चिड़िया उसकी पत्नी चिड़िया और कबूतर को पुलिस को सौंपता है। उसके बाद कौवा पति और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। एक जंगल में चिड़िया और कौवा बहुत स्नेह पूर्वकता से रहते थे। एक ही पेड़ पर अलग अलग घोंसले बनाकर, आलसी पतियों से परेशानियां झेलकर, आंसुओं भरे जिंदगियां बिता के बहुत मुश्किल से जीने लगते हैं। उन दोनों को कूली का काम पर जाना पसंद नहीं था और दोनों मिलके पानी पूरी व्यापार शुरू करते हैं। कौवा माइक पकड़ के जंगल पूरा घूमकर, गरम गरम पानी पूरी चिड़िया हमारे लिए खोली है, तुम सबको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आइए हमारे चिड़िया के पानी पूरी बंडी के पास, कम दाम में ज्यादा पानी पूरी। ऐसे कहती है। बहुत दिन बीतने के बाद भी उनका व्यापार ज्यादा नहीं होता, उस वजह से चिड़िया बहुत चिंता करने लगती है। क्या रे चिड़िया, हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। और क्या रहेगा रे सोचने के लिए, हमारा व्यापार के बारे में ही बहुत आशा से मायके वाले दिए पैसों से ये पानी पूरी व्यापार शुरू करने से वो दिन भर दिन कम होने लगा है। कुछ और व्यापार करने से कैसे रहेगा रे, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रे, कोई और व्यापार करने से शायद अच्छा रहेगा, पर कौन सा व्यापार करें? पानी पूरी के साथ साथ समोसा भी बना के रखेंगे, तुम क्या कहती हो? ठीक है चिड़िया, थोड़े समोसे बना के रखना, कोशिश करना गलत नहीं है ना, अगर कोई पक्षी आके खरीदने से वो ही व्यापार करेंगे। ऐसे बातें करके अगले दिन चिड़िया गरम गरम समोसे तैयार करके रखती है। उन्हें देखते ही तोता और कबूतर आके खरीदते हैं। बहुत अच्छे हैं करके कहने पर सभी पक्षी आके खाने लगे। उसके बनाए समोसे पूरे बिक जाने पर चिड़िया खुश होती है। देखी ना कौवा, पूरे बिक गए, और ज्यादा बनाना था, कल मैं और ज्यादा समोसे बना के लाऊंगी। ऐसे कहने पर कौवा भी खुश होती है। उस खुशी से रात को आराम से सोते हैं वे दोनों पक्षी। अगले दिन चिड़िया और ज्यादा गरम गरम समोसे बना के रखती है। सभी पक्षी आके पूरे खरीद लेते हैं, उससे चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं। पानी पूरी का व्यापार ठीक से नहीं चलने पर चिड़िया और कौवा पानी पूरी व्यापार को बाजू रख के समोसे के व्यापार करना शुरू करते हैं। उस दिन से समोसा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छे मुनाफे आते समय फिर से उनका व्यापार धीरे से कम होने लगता है। समोसे खरीदने पक्षी नहीं आते, बहुत सारे समोसे बच के खराब हो जाते हैं। उससे चिड़िया फिर से सोचने लगती है। हमारे समोसों को बहुत फेमस करने को सोची, पर थोड़े ही दिनों में हमारा व्यापार ऐसा ढीला हो जाएगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। व्यापारों में ऊंच नीच साधारण है चिड़िया, उनके बारे में ही सोचते रहने से हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कोई दूसरा व्यापार शुरू करें? ये ऐसा ही रहा तो कैसे चिड़िया?
मुझे एक आइडिया आया है, वो करके देखते हैं। क्या है वो? समोसे खाने का कॉन्टेस्ट। ऐसी चिड़िया उसके आइडिया को पूरा कौवे को बताती है। तब अगले दिन जंगल पूरा घूम के कौवा समोसा कॉन्टेस्ट हो रहा है करके माइक में सबको बताती है। उससे सभी पक्षी समोसों के दुकान के पास आते हैं। कौन सा पक्षी 10 मिनट में 50 समोसे खाएगी उसे 500 रुपए उपहार में मिलेगा। अगर वो नहीं खा सकी तो समोसों के पैसे देने से काफी है, ऐसी चिड़िया कहती है। तब सभी पक्षी 500 रुपए जीतने के लिए एक एक करके शर्त में भाग लेने लगते हैं। पर 10 मिनट में कोई भी पक्षी 50 समोसे नहीं खा पाए और पैसे देके जाते थे। इस तरह समोसे ऐसे बनाते ही पैसे खत्म हो जाते थे, पैसे भी आने लगे। चिड़िया का आइडिया बहुत अच्छा है कह के कौवा तारीफ करती है। उस दिन से वहाँ समोसे कॉन्टेस्ट चलने लगे। कौवा और चिड़िया को बहुत पैसे जमा होते हैं। ऐसे रहते हुए भूख से तड़प रही चील एक दिन उस कॉन्टेस्ट को आती है। तब वो चील अपने आप में, अगर मैं इस शर्त में हार गई तो देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। जो भी हो, जीतने से 500 रुपए मिलेंगे ना, और मेरा पेट भी भरेगा। ऐसे सोच के जाकर समोसों को खाना शुरू करती है। बहुत भूख लगने पर जल्दी जल्दी समोसे खाकर 10 मिनट में 50 समोसे खा लेती है। उससे चिड़िया और कौवा खुशी से चील को 500 रुपए देते हैं। 500 रुपए लेके चील बहुत खुश होती है। इस तरह चील 500 रुपए जीतने पर बाकी पक्षियों में कॉन्फिडेंस बढ़कर हर रोज समोसे कॉन्टेस्ट में भाग लेके उन दोनों को बहुत पैसे देने लगे। इस तरह चिड़िया का समोसा व्यापार सफल होता है।